हेलो प्रिया, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। यस, कौन सा क्वेश्चन बताना है आपको प्रिया? फोर्थ के थर्ड पार्ट से सारे। फोर के थर्ड पार्ट से सारे। यस सर। अच्छा, होमवर्क कर रहे हो क्या? यस सर। मतलब पूरा खुद से नहीं करना है एक भी? सही समझ में नहीं आ रहे, इनमें इक्वेशन नहीं बन रही है। अच्छा, चलो। स्कूल में पढ़ा के हो गया आपके? सर मैं 10th में हूँ। मतलब वही 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 10th में पढ़ा के स्कूल में पढ़ा दिया गया ये सारी चीजें यस आपको? सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड से मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। इन अ बास्केटबॉल गेम, मोहन स्कोर्ड फोर मोर देन द ट्वाइस एज मेनी पॉइंट एज रोहन। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर टू मोर पॉइंट्स, देयर टोटल वुड हैव बीन 60। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड ईच स्कोर? सबसे पहले ना प्रिया, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे, अगर आपको पता चल गया किसको एक्स लेना है, क्या करना है, तो फिर आप एग्जैक्टली मतलब कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है? तो ओके। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट। यस ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रहा है कि इन अ बास्केटबॉल गेम मोहन स्कोर्ड फोर मोर देन द ट्वाइस एज मेनी पॉइंट एज रोहन। तो मोहन ने कितना स्कोर किया? फोर मोर देन ट्वाइस पॉइंट एज द रोहन। अगर रोहन का पॉइंट अगर हमें पता हो कि रोहन ने कितना किया है, तो उसका ट्वाइस से फोर ज्यादा किया है ना मोहन यस ने, सर। तो किसका एक्स लेंगे बताओ आप मुझे? मोहन का लेंगे या फिर रोहन का लेंगे? किसका पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा क्योंकि देखो अभी आपको पता चलेगा। लेट स्कोर्ड बाय रोहन बी एक्स ले लेंगे। अगर रोहन ने एक्स स्कोर किया है तो मोहन का स्कोर कितना होगा? बाय। नहीं, वाई नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि ट्वाइस, इसका ट्वाइस, पहले तो इसका टू टाइम्स है, टू एक्स हो गया ट्वाइस, समझे? बोल रहा है ट्वाइस करने के बाद भी फोर मोर, मतलब ट्वाइस एंड फोर मोर, यानी कि प्लस फोर भी करना पड़ेगा, समझे? फोर मोर का मतलब होता है चार ज्यादा स्कोर किया है, ट्वाइस टू टाइम्स और चार ज्यादा, समझे आप? ऐसा बोल रहे, तो इसका मोहन का स्कोर हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर। बोलो, कोई डाउट है इसमें? सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा किसे एक्स लेना है किसे वाई लेना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन एक बार ना फर्स्ट वाली लाइन अप पढ़ो। बास्केटबॉल गेम मोहन स्कोर्ड फोर मोर देन ट्वाइस एज मेनी पॉइंट्स एज रोहन। सो पढ़ पढ़ लिया आपने, समझा? ली। यस। मोहन स्कोर्ड फोर मोर देन ट्वाइस एज मेनी पॉइंट एज रोहन। मतलब रोहन ने जितना स्कोर किया था ना, उसका ट्वाइस, अब ट्वाइस से भी ज्यादा, कितना ज्यादा? फोर मोर, यानी कि चार ज्यादा। मतलब अगर आप, मोहन ने अगर एक्स स्कोर किया है तो ट्वाइस कितना हो जाएगा? टू एक्स। और बोला इतना ही नहीं, और भी ज्यादा, फोर मोर, तो प्लस फोर करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा कि मैंने फाइव स्कोर किया, तो आपने मुझसे दो ज्यादा स्कोर किया, तो आप कितना करोगे? फोर टू मोर करोगे, तो सेवन करोगे ना आप। यस तो मोर बोले तो आपको प्लस करना है, लेस बोले तो आपको माइनस करना है, समझे? ओके सर। ये होता है। और क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। इफ वन ऑफ देम हैज स्कोर टू मोर पॉइंट्स, इफ वन ऑफ देम हैज स्कोर टू मोर पॉइंट्स, देयर टोटल वुड हैव बीन 60। इफ वन ऑफ देम हैड स्कोर टू मोर पॉइंट, देयर टोटल वुड हैव बीन 60। मतलब क्या बोल रहा है ना कि इसमें से किसी एक ने भी, इफ वन ऑफ देम मतलब कि दोनों में से कोई एक ने भी अगर हैड स्कोर्ड मोर टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट और ज्यादा कर देता ना, तो कितना हो जाता है? टोटल 60 हो जाता है। यानी कि देखो क्या बोल रहा है कि इतना तो इन दोनों का स्कोर हो गया, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करते हैं, एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है? और क्या बोल रहा है, इतना दोनों का सम हो गया। बोल रहा है कि इतना दोनों का, लेकिन प्लस टू, अगर किसी ने और ज्यादा कर दिया होता प्लस टू, दोनों में से कोई भी, चाहे ये रोहन ने या फिर
या मोहन ने, दोनों में से कोई भी अगर दो ज्यादा कर देता तो 60 आ जाता है। इसका मतलब कि अगर हम +2 कर देंगे इसमें, +2 कर देंगे दोनों के स्कोर में, तो क्या 60 के इक्वल होना चाहिए ना? यस क्योंकि ऐसा बोला है कि अगर दोनों में से किसी ने भी दो स्कोर और किया कर दिया होता ना, तो फिर क्या हो जाता, 60 हो जाता है स्कोर टोटल। तो देखो x प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा, 3x। यस सर। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 60। 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 60 माइनस 6। 60 माइनस 6 कितना होता है, 54। x इज इक्वल टू 54/3। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, पता है ना आपको? yes, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई, हाँ, तो 3 उधर जाएगा डिवाइड, 3 वन जा 3, 8 जा 20, तो x आया 18। x अगर 18 आया तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पॉइंट्स डिड ईच स्कोर, दोनों में दोनों ने कितना पॉइंट स्कोर किया। तो यानी कि हमने x किसका लिया था, रोहन का। yes, ना sir. रोहन ने 18 स्कोर किया, तो मोहन का कितना हो जाएगा बोलो सर, ट्वाइस ऑफ एक्स, 2x प्लस 4 था ना। यस सर। तो 2 18 प्लस 4, 18 टू 36 प्लस 4 सर 40 हो जाएगा। यानी कि इसने 40 किया, इसने 18 स्कोर किया, ऐसा है रोहन ने। सर एग्जाम में इक्वेशन नहीं बनती है। नहीं पहले ना, पहले आपको देखना है, जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ना, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे आपका नाम प्रिया है, मेरा नाम रजत है, तो मैं बोलूंगा कि प्रिया ने ना मुझसे ना 2 ज्यादा स्कोर किया एग्जाम में। चलो ना, आपने मुझसे कितना मार्क्स ज्यादा लाया एग्जाम में, 4 मार्क्स ज्यादा लाया, फिर 6 मार्क्स ज्यादा लाया, ठीक है। तो अगर रजत का मार्क्स हमें नहीं पता है, अगर मैं बोलूं कि प्रिया ने कितना ज्यादा लाया है, 6 मार्क्स ज्यादा, समझ रहे हो, कितना, 6 मार्क्स मोर, इसका मतलब हो जाता है 6 मार्क्स ज्यादा। तो किसका पता रहेगा, तो किसका पता कर लोगे सर, आपका, मेरा पता रहेगा तो आप पता कर लोगे, ठीक है। तो आप किसका एक्स लोगे, रजत का एक्स लोगे ना, अगर रजत का एक्स है तो आप एक्स प्लस 6 हो, सिंपल। ये आप इतना कि कौन किस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर अगर सपोज अब ये ऐसे ही नहीं, अब कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लो ये 6 मार्क्स था, तो मैंने बोला कि प्रिया ने मुझ मेरा 2 टाइम्स स्कोर किया है, फिर ट्वाइस स्कोर किया है, ठीक है। तो आपने ट्वाइस स्कोर किया है, तो किसका पता रहेगा, तो आपका पता चल जाएगा, फिर किसका पता रहेगा, मैं तो दूसरे का पता चलेगा। यस सर। किसका पता रहेगा तो बताओ, मेरा है आपका, आपने ट्वाइस किया है मेरा स्कोर के, मेरा जो मार्क्स में जो मैंने मार्क्स किया है ना, उसका ट्वाइस नहीं, आपने ट्वाइस लाया ना, आपका 2 टाइम्स है, तो जितना मेरा होगा उसका हाफ आपका हो जाएगा। हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है। या फिर अगर आपका हम x लेंगे तो मेरा x by 2 लेना पड़ेगा। yes. या फिर एक तरीका आपके पास ये था कि अगर आप मेरा x लेते हो तो आपका 2x हो जाएगा, सिंपल। yes. तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये दोनों लेना, x x by 2, ये सिंपल दिख रहा है ना। ओके सर, समझो, दोनों चीजें बराबर हैं, जो आपने बोला वो भी सही बोला, लेकिन ये थोड़ा क्या एलसीएम वगैरह लेना पड़ जाएगा आपको इसमें सॉल्व करने में। तो ऐसा आपको तरीका लेना जो इजी है। चलो आगे और क्वेश्चन करते हैं, अब आगे तो आपसे ही करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, फोर्थ का, फोर्थ वाला। A man has, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं होना। A man has certain notes of denominations ₹20 and ₹5 which amount to 380. If the number of notes of each kind are interchanged, they amount to ₹60 less as before. Find the number of notes of each denomination. Question आप समझे क्या बोल रहा है? Yes sir. क्या समझे बताओ मुझे? Sir एक इंसान है, उसके पास sir ₹20 और ₹5 के notes हैं,
जिनका टोटल अमाउंट ₹380 है सर, अगर एक दूसरे से, 20 रुपीज 5 के नोट है। नो सर, ₹20 और ₹5 के नोट्स हैं उसके पास सर, उन दोनों का टोटल अमाउंट 380 है वेरी गुड। सर। अगर दोनों नोट्स को इंटरचेंज कर दिया तो जितना उनका अमाउंट पहले था उससे ₹60 लेस आएगा हाँ, फिर सर, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, मतलब हर एक 20 के कितने नोट्स हैं और 5 रुपीज के कितने नोट्स हैं, हमें ये बताना है। यस सर, तो आप सोचो अब क्या कर सकते हो इसमें। सर लेट कर लेंगे हाँ, लेट कर लेंगे बिल्कुल, सर नोट्स को। लेकिन देखो क्या बोला है ना। हाँ, नोट्स को लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि किसका नोट कितना है। तो अगर देखो, अगर हम क्या करते हैं, एक का नोट हम एक्स ले लेते हैं, दूसरे का नोट वाई ले लेते हैं। मान लेते हैं 20 रुपीज के एक्स नोट हैं और 5 रुपीज के वाई नोट्स हैं, यस सर, क्योंकि यहाँ पे एक के पता चलने से दूसरे का नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है पता है, क्वेश्चन में एक नोट जो है ना दूसरे पे नहीं डिपेंड है, समझ रहे हो, दोनों के अलग अलग नोट्स यस हैं। सर, यहाँ पे क्या होगा, आपको दोनों को एक्स वाई लेना पड़ेगा। आप देखो 20 रुपीज के एक्स नोट सपोज करो, लेट 20 नोट्स बी एक्स एंड रुपीज 5, नंबर ऑफ नोट्स लिख दो ₹20 या फिर 5 नोट्स बी वाई, ठीक है ओके ऐसे। तो आप मुझे बताओ, तो 20, लेकिन जो हमें जो आंसर दिया है ना, ₹380 हो रहा है दोनों को प्लस करने पे ना, यस सर, ₹380 हो रहा है। तो अगर ₹20 के एक्स नोट है तो कितने रुपए हो सर जाएंगे। 20x वेरी गुड। और वाई के 5 रुपीज के 5 वाई यस सर, इज इक्वल टू 380 होना चाहिए यस ना। सर, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, इजी था कि नहीं यस था। सर, अब देखते हैं आगे, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड आर इंटरचेंज्ड, यानी कि हर एक टाइप के नोट्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी कि 20 के एक्स नोट थे ना, अब 20 के वाई नोट हो जाएंगे, यस समझ सर, रहे हो, पहले एक्स लिया था। हाँ, तो इंटरचेंज करने पे द अमाउंट टू ₹60 लेस एज बिफोर, मतलब पहले जितना था उसमें से 60 कम हो थ्री जाता है, एटीन से यानी कि सिक्सटी माइनस 720 कर देंगे, हो जाएगा यस ना। सर, तो देखो 20 वाई हो जाएगा ना, अभी यस, नंबर ऑफ नोट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, 5x इज इक्वल टू 320, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यस, अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको, कर लो, थोड़ा इसको अरेंज कर लेना, 5x को इधर लिखना है और 20y को सर इधर लिखना माइनस है हो ना। जाएगा दोनों इक्वेशन, 5x प्लस 20y, ठीक है ऐसे लिखो। माइनस कैसे कर पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि इसमें x का 20 है, y का देख रहे हो कितना है, तो ओके एक कोई भी पहले तो एक बराबर करना पड़ेगा ना आपको, समझे यस कि नहीं। इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सर, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का कितना हो जाएगा, 100x। यस सर, 100x हो गया प्लस 5 से नहीं, 4 से करना चाहिए था, क्योंकि 4 से करेंगे तो ही तो ये 5 4 20 बनेगा ना, यस सर, 80x। फाइव फोर जाए 20y इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 3 8 जाए 24, नहीं हाँ 8 32, 2 3 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 3 4 जा 12 प्लस 3 15। ये इक्वेशन नंबर 3 नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। और इक्वेशन 2 को जस्ट इसके नीचे लिखते हैं, 5x प्लस 20y इक्वल टू 320। कोई डाउट। नो सर, अब तो हम माइनस कर सकते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, 80 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 75x। इधर कितना हो जाएगा, 0 0 12, 1200 आया।
1200 डिवाइड बाय 75, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई डाउट है कहीं पे? नो सर। तो अब इसको कैंसिल कर दो, 5 1 5 5 5 25, ये हो जाएगा 5 2 10 5 4 20 240, ठीक है, 5 3 15 5 सर 16 आ गया, 4 20 यानी कि x x इज इक्वल टू 16 आ गया, तो y निकाल लोगे आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके? यस सर। तो x हमारे पास 20 आ गया, यानी कि 20 के नोट्स कितने थे हमारे पास? 16। यस सर, 16 नोट्स। और y का आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन कौन सा इजी लग रहा है, सेकंड वाला 5x + 20y, तो लिख देना फ्रॉम 2 5x plus 20y equal to 320. So y 12 आ जाएगा. y 12 आ जाएगा. इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? सर खुद से. क्या बात है. मतलब तो फिर कर लेना. आंसर आ गया इसका? यस सर. अब बोलो समझ में आया कि नहीं है आपको? क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? यस सर आ गया. समझे? तो आपको देखना है कि पहले एक जो दूसरे पे डिपेंड है या नहीं है. अगर डिपेंड है तो एक के आने से दूसरा आ जाएगा. अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो क्या होगा, अब अलग अलग एक्स वाई लेना पड़ेगा. समझे? जैसे मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे 4 साल छोटे हो, ठीक है? यस सर. नहीं 4 साल नहीं, ज्यादा छोटे हो. आप मुझसे 7 साल 8 साल छोटे हो, ठीक है? यस सर. तो अगर तो किसकी एज पता रहेगी तो आपकी एज पता चलेगी सर, आपकी मेरी एज पता रहेगी. अगर अगर सपोज करो मेरी एज 22 है तो आपकी एज कितनी होगी? आप मुझसे 8 साल छोटे हो तो आपकी एज कितनी होगी? सर 15. 15 कैसे होगी? मेरी एज 22 है तो आप मुझसे 8 इयर्स छोटे हो. सर आपने 7 बोला था. अच्छा ठीक है, 7 बोला था तो 15, ठीक है? यस सर. तो समझ गए, ये डिपेंड करता है. अगर सपोज करो कि दोनों एक दूसरे पर नहीं डिपेंड है, जैसे ये 20 और 5 वाले नोट थे ना, एक दूसरे पर नहीं डिपेंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला ही है. हाँ एज वाला ही है ना, ठीक है. हाँ पढ़ो. तो 5 इयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब. अच्छा प्रिया, आपने प्रीमियम ले रखा है क्या फिल होगा? यस सर. तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करोगे? यस सर. अभी तुरंत डायरेक्ट कॉल कर सकते हो आप मुझे? यस सर. प्लीज करो आप मुझे. ओके सर. फेवरेट में ऐड करना होगा. हाँ ऐड करके आप तुरंत ही करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका. कोई कॉल रिसीव नहीं करूंगा.